लो भैया फिर से निकल गया हैदराबाद का दीवाला, दूसरी बार भी हमको हैदराबाद गो करती हुई नजर आई। अरे भैया हैदराबाद वालों, आपका मुकाबला दिल्ली से नहीं बल्कि आईपीएल की और भी टीमों से है, ऐसा कैसा चलेगा यार? आप लोग दो मैच लगातार हार गए हो, वो भी आप बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से हार रहे हो यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, कम से कम अपनी हार को तो थोड़ा टक्कर का बनाओ ना यार। विलियमसन भैया कह रहे होंगे कि भैया सही है, मैं इनके साथ अभी नहीं खेल रहा हूँ, घर पे आराम कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग हारते नहीं बल्कि दूसरी टीमों को जिताते हैं। अनमोल प्रीत भैया तो ठीक ठाक खेले, लेकिन मयंक अग्रवाल भैया बहुत ही खराब खेले। मुझे तो लगता है भाई मयंक भाई को ना अग्रवाल स्वीट खोलने चाहिए और वहां पर बेचनी चाहिए मिठाई। वही कोई एडम मकरम को भी बताओ भैया कि तुम हैदराबाद के कैप्टन हो। मुझे लगता है ना मकरम काफी ज्यादा ट्रैवलिंग करके थक गए होंगे, इसलिए वो बोले होंगे भैया मुझे तो रेस्ट करना है, इसलिए उनको जबरदस्ती आना पड़ गया और जीरो पर आउट होकर चले गए पहली बॉल पर। भैया अगर नहीं खेलना तो बता देते, किसी और को खिला लेते आपकी जगह। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। मुझे लगता है हैरी ब्रोक भैया भी ना इस बार आईपीएल खेलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए दो मैचों में भैया दो तीन रन बनाकर ही आउट होते जा रहे हैं। भाई ये जितने भी बाहर के खिलाड़ी ना, सबसे पहले ना इनको हैदराबाद की ना मसाला बिरयानी खिलाओ, ताकि जब ये मॉर्निंग में हल्के होने जाए ना तो इनकी जलनी चाहिए, और ये जो गु वहां पर करना है ना वो पिच पे ना करें भैया। वहीं त्रिपाठी भैया भी ना आईपीएल को टेस्ट समझकर खेलते हुए नजर आते। त्रिपाठी भैया अगर ये बात ना मुन्ना त्रिपाठी को पता चली ना तो आपकी वहां पर गोली मारेंगे, समझ जाओ कहां पर गोली लगने वाली है आपके। समझ रहे हो आप। वॉशिंगटन सुंदर के नाम में ही सुंदर है सिर्फ, लेकिन इनका का जो काम है ना वो बिल्कुल छछुंदर की तरह है। जो सारा कल का मैच था ना, सही बताऊं इन्होंने कुतर कर रख दिया भैया। 28 बॉलों पर ना 16 रन मार गए, वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वहीं भैया तारीफ करनी पड़ेगी अब्दुल समद की, जो इन्होंने 10 बॉलों पे ना 21 रन मारे। हैदराबाद के सभी खिलाड़ियों भैया कुछ तो अब्दुल समद से सीख लो यार, कुछ तो सीख लो भाई। भैया आईपीएल को ना आईपीएल की तरह समझ कर खेलो यार, क्या इस बार भी सबसे नीचे रहने वाले हो क्या? अपनी ऑडियंस का कम से कम कुछ तो ख्याल रखो, बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगाकर आपसे आपकी ऑडियंस बैठी हुई है, कुछ तो लिहाज कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो भाई। इस बार ये पहले बैटिंग करते हुए हारे और पिछले मैच में पहले फील्डिंग करते हुए हारे थे, इस बार क्या करते हुए हारना है? अरे कहना क्या चाहते हो भैया, पहले चाहे फील्डिंग करना चाहे बैटिंग करना, लेकिन इस बार ना मैच को जीत कर दिखाना यार। वहीं बात की जाए लखनऊ के नवाबों की, तो लखनऊ के नवाबों ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी, अपने बल्लेबाजों को समझ लो हलवा दे दिया कि भैया लो हलवा और आप लोग खा लो। और हलवा तो भैया केएल राहुल को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो ऐसी पारी खेलना पसंद भी करते हैं, जैसे कि इंडियन लोगों को ना पानी पूरी खाने के बाद वो जो पापड़ी होती है ना भैया, पापड़ी खाने में जो मज़ा आता है ना, उसी तरह केएल राहुल को ऐसे मैच निकालने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तारीफ तो बनती है भैया कुणाल पांड्या की, इन्होंने 34 रन भी बनाए अपनी टीम के लिए और साथ ही साथ 3 विकेट भी निकाल कर दिए। कुणाल भाई आप बहुत ही बढ़िया खेले, वेरी गुड, उम्मीद करता हूँ आप आगे के मैच भी ऐसे ही खेलते रहोगे और लखनऊ की टीम में अपनी नवाबी ऐसे ही कायम रखोगे। लखनऊ के नवाब बिल्कुल नवाबों की तरह खेले और शान से जीते, ये पिछली बार की हार के बाद ना सही बताऊं भैया कल मुस्कुराए थे। मुस्कुराओ भाई मुस्कुराओ, आप लखनऊ की टीम में ही हो। अब देखना यह है कि लखनऊ के नवाबों की जो मुस्कुराहट है ना वो कब तक कायम रहती है, और जो हैदराबाद की टीम है ना वो कब तक भैया अपना जो जायका है ना वापस लेके आती है, मतलब कब हैदराबाद अगला मैच जीतती है। जो भी कहो भैया हैदराबाद की जो टीम है ना देखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों इनके प्लेयर जो है अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। लेकिन हैदराबाद वालों उम्मीद मत हारना, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। मुझे भी उम्मीद है एक ना एक दिन आप मैच जरूर जीतोगे, लेकिन कब जीतोगे इसकी कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये। बाकी दोस्तों वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह मजेदार वीडियो बनाते रहें। सब्सक्राइब का जो बटन है भैया वो वहां पर है, लाल कलर का बटन होगा उसको दबाकर जाना। चलो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।